हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पार्कल एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कल यानी 26 जनवरी पर भारत के राष्ट्रपति ने भारत रत्न और पद्म अलंकरण को लेकर के अनाउंसमेंट की हैं कि किस किस व्यक्ति को दिए जाने हैं। तो भारत रत्न पर हमने वीडियो ऑलरेडी कवर कर ली है, तो अगर वो आपने नहीं देखी है तो उसको आप देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। और इसमें बात करेंगे पद्म अलंकरण के बारे में, यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री किस किस व्यक्ति को दिए गए हैं, कितने व्यक्ति को दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। और यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। आने वाले कुछ दिनों में जो एग्जाम है उसमें 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ से, भारत रत्न और पद्म विभूषण से, यानी पद्म अवार्ड जो है इनसे क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलेगा। तो इसको ध्यान से देखना है। और PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं किन किन व्यक्ति को दिया गया है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि कुल 112 व्यक्तियों को दिया गया है पद्म अलंकरण की। अगर मैं बात करूँ पद्म अवार्ड कुल 112 व्यक्ति को दिए गए हैं, मतलब दिए नहीं गए, अभी अनाउंसमेंट हुआ है। और इसमें कुल 11 विदेशी व्यक्ति हैं, तो 11 विदेशी हैं और टोटल कितने हैं 112। तो ये आपको ध्यान रखना है। दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि कुल कितने व्यक्ति को मिला है 2019 में पद्म अवार्ड, तो 112 व्यक्ति को, और उसमें कितने विदेशी है 11 विदेशी। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं। देखिए, तीन तरह के होते हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे सर्वोच्च सम्मान है भारत का पद्म विभूषण, तो इस पर फोकस करते हैं। और ये किन किन व्यक्तियों को दिया गया है वो आप यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए, ये 4 व्यक्तियों को दिया गया है, कुल कितने व्यक्तियों को, 4 व्यक्तियों को दिया गया है। एक एक करके यहाँ पर बात कर लेते हैं। पहले हैं यहाँ पर तीजन बाई, तो पहली महिला है यहाँ पर तीजन बाई, जो कि गायिका है, कहाँ की, छत्तीसगढ़ की। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ की गायिका है, छत्तीसगढ़ की। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि तीजन बाई, या फिर इस प्रकार से पूछता है कि तीजन बाई कहाँ की रहने वाली है, तो कहाँ आंसर हो जाएगा आपका, छत्तीसगढ़। इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिले हैं 2018 में भी, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की है। नेक्स्ट है यहाँ पर इस्माइल उमर, दूसरा है इस्माइल उमर को दिया गया है, तो ये हैं मलेशिया के, तो मलेशिया के हैं ये, पुलिस अधिकारी हैं, मलेशिया के पुलिस अधिकारी थे ये इस्माइल उमर, तो इनको दिया गया है, इनको नॉमिनेट किया गया है पद्म विभूषण के लिए। बलवंत, नेक्स्ट है बलवंत पुरंदर। देखिए, बलवंत पुरंदर को नॉमिनेट किया गया है, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और चौथे हैं यहाँ पर अनिल मनीभाई नायक, और ये भी कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं। तो कहाँ के हैं मतलब किस स्थान के, किस स्टेट के, ये आपको याद रखना है इनके नाम के साथ साथ। तो ये चारों नाम आपको याद रखने हैं पद्म विभूषण से, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा इन चारों नामों से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पद्म भूषण की। तो पद्म भूषण जो है 14 व्यक्तियों को कुल दिया जाने की अनाउंसमेंट की गई है, और 14 व्यक्तियों को दिए जाने की अनाउंसमेंट की गई है। उसमें आपको ये दो नाम जरूर याद रखने हैं, बछेंद्री पाल जो कि एक पर्वतारोही है, और दूसरे यहाँ पर कुलदीप नायर जो कि एक पत्रकार हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। मेन यहाँ पर ये दो तो याद रखनी है आपको, कुलदीप नायर और बछेंद्री पाल। आगे यहाँ पर पद्मश्री, देखिए पद्मश्री की अगर बात करें तो 94 व्यक्ति को दिए जाने की अनाउंसमेंट किया गया है, कितने 94 व्यक्ति को दिए जाने का अनाउंसमेंट यहाँ पर किया गया है। और इसमें अगर मैं बात करूँ इम्पोर्टेंट व्यक्ति की, तो यहाँ पर आप नोट कर लेंगे उनको, एक तो कादर खान हो गए, ठीक है, बॉलीवुड से रिलेटेड कादर खान, मनोज वाजपेयी और प्रभु देवा, इनको दिए जाने का अनाउंसमेंट किया गया है, मतलब इस लिस्ट में इनका नाम भी शामिल है। तो ये प्रसिद्ध व्यक्ति आपको पता होने चाहिए, कादर खान, मनोज वाजपेयी और प्रभु देवा, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे पद्म विभूषण और 2019 के, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। इस ये प्लेलिस्ट आप PDF आप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।